नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है, जहां मंडी धनौरा क्षेत्र के गांव देहरा चक निवासी 33 वर्षीय करण सिंह का पुत्र नरेश शुक्रवार की सुबह गढ़ क्षेत्र के ब्रजघाट में प्लॉट खरीदने के लिए गया था। वहां से लौटने के बाद बाइक पर सवार होकर रात करीब 10 बजे वापस गंगा बांध पर होते हुए अपनी बहन लीलावती के गांव सैलपुरा में जा रहा था। इसी दौरान गांव के चकनवाला के पास संदिग्ध परिस्थितियों में वह लापता हो गया। उसकी बाइक भी बांध पर खड़ी मिली। जमीन पर कुछ पैसे व जमीन से संबंधित कागजात, एक जूता भी पड़ा मिला, जिसकी जानकारी मिलते ही बहन लीलावती के स्वजन भी तलाश में जुट गए। जानकारी मिलने पर प्रभारी निरीक्षक RP शर्मा भी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लापता हुए ग्रामीण की तलाश में जुट गए हैं। ग्रामीणों के द्वारा अपहरण की शंका जताई जा रही है। आपको बताते चलूं कि लापता हुए ग्रामीण की मां खजानो देवी भी उसकी बहन के घर पर रुकी हुई थी। खबर लिखे जाने तक पुलिस व स्वजन की तलाश में जुटे हुए हैं। प्रभारी निरीक्षक RP शर्मा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, तब से ग्रामीण की तलाश की जा रही है। रिपोर्ट काविंदर सिंह, प्राइम न्यूज 24 ब्यूरो अमरोहा। काविंदर जी, ये पुलिस जो आई, क्या मामला है? एक लड़का था, बैनामा करा के आया था। हाँ। चक डेहरा का रहने वाला है वो। अच्छा। ब्रजघाट उसने प्लॉट लिया है, गढ़ बैनामा हुआ था। जी जी। वो गायब है करीबन 6 बजे से। अच्छा, तो यहाँ क्या मिला उसका? यहाँ बाइक मिली है उसकी। हाँ। हेलमेट मिला है, एक जूता मिला है, 600 कुछ रुपए मिले हैं, नीचे पड़े हुए। नीचे पड़े हुए। तो क्या आसपास में तलाश करा, कुछ मिला नहीं अभी तक? नहीं, और कुछ नहीं मिला। पुलिस आ गई यहाँ पे? पुलिस आ गई। ठीक।